हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और क्लास 9 का ये वीडियो 5 है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने का बोला था इसके अंदर, पार्ट 4 का कंटिन्यू पार्ट है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है और ये क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों के लिए डिफिकल्ट जाते हैं, तो मैंने इस पार्ट के अंदर सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ताकि आपको A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी मेथड समझ में आए। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें। तो क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको x³ - 2x² - x + 2, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी ऐसे फैक्टराइजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले क्या बना दो, इसके ये 4 टर्म में से आप ऐसे ऐसे 6 टर्म बनाने पड़ेंगे। और ये फर्स्ट वाला टर्म है ये फर्स्ट बॉक्स में लिख दो और लास्ट वाला टर्म है आप इस लास्ट वाले बॉक्स में लिख दो, राइट। अब क्या करना है कि ये जो टर्म है इसको तोड़कर 2 भागों में डिवाइड करना है और ये जो टर्म है इसको तोड़कर यहाँ पे आपको लिखना है। सेम देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पैटर्न फॉलो करनी है। अब क्या करना है कि देखो, एक्स क्यूब के बाजू में 1 था तो आपको यहाँ पे भी 1 लिखना है, और देखो यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पर भी 2 लिख देना है। ये आपकी पहली हिंट रहती है। अब देखो, मुझे यहाँ पे 2x² लाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कि यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है और मुझे 2 लाना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो -1 - 1 तो -2 हो जाएगा, दोनों के पीछे x² है इसलिए यहाँ पे मुझे x² और x² लिखना पड़ेगा। देखो मैंने तोड़ दिया इसको, -1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, राइट। और x² हो गया इस तरीके से। देखो यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मगर मुझे लाना क्या था, -1x लाना था, तो मुझे बड़े की साइन के आगे माइनस लगाना होगा और यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा। मेरे पास 2 है और मुझे उस 2 को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लगा दूंगा। तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो ये 1x बच जाएगा। यहां पे x था इसलिए मैं यहां पे क्या कर ले रहा हूं, x ले लेता हूं। ठीक है, तो अब मेरा जो क्वेश्चन है, और लास्ट वाले की साइन के आगे प्लस था इसलिए इजीली क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो मैंने अब इसको ऐसे बना दिया है, x³ - 1x² - 1x² + 1x - 2x + 2। अभी आप क्या करो, दो दो का ग्रुप बना लो और इनकी पेयरिंग कर लो, फर्स्ट का ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। मैंने आपको एलजेब्रा वाले वीडियो में कॉमन निकालना सिखाया था, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है तो पूरा x² कॉमन निकल जाएगा। x³ में से x² गया तो x बचेगा, माइनस था इसलिए माइनस, यहाँ x² था वो पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। फिर देखो यहाँ पे 1x² और 1x है तो प्लस माइनस, ये माइनस बाहर निकल गया। x² है और x है तो x बाहर निकलेगा, तो इस x² में से 1x चला गया तो सिर्फ 1x बचेगा। माइनस प्लस माइनस 1 बचा, ये माइनस है, दोनों में देखो 2-2 आ रहे हैं तो ये 2 बाहर आ गया। यहां पे x बचा, माइनस प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर चला गया इसलिए 1 बचा। जब ये सब में सेम आता हो तो आपको समझ जाना है कि आप जो सम कर रहे हो वो एकदम करेक्ट है। अब देखो यहां पे क्या बच रहा है, x² तो यहां पे x² - x - 2, यहां पे x - 1 x - 1 x - 1, तो मैं इसको कॉमनली x - 1 लिख देता हूं। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फैक्टराइजेशन वाला सॉल्व हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया है मैंने, 5 था लिख दिया, आगे माइनस की साइन लगेगी। अब मुझे 3 लाना है और मैं क्या करूँगा 3 लाने के लिए, यहाँ पे मुझे 5 दिया हुआ है तो मैं इधर भी 5 लिखूंगा पहले तो, और मुझे लाना है 9, तो मैं 5 के अंदर क्या ऐड करूँ तो मुझे 9 मिल जाए, तो मुझे ऐड करना होगा 4। मगर यहाँ पे साइन माइनस की है इसलिए मैं आगे माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 5 9, और आगे साइन किसकी लग जाएगी, माइनस की। यहाँ पे एक्स है इसलिए एक्स करना होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ पे भी क्या मिले, 4 मिले, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ पे भी 4 लाना होगा, और ये तो किसके फैक्टर बन रहे हैं, 3 के, तो मैं 4 में से क्या माइनस करूं तो मुझे 3 मिल जाए, 1। मगर साइन मुझे माइनस की लानी है इसलिए मैं बड़े के आगे साइन माइनस की लगाऊंगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लगा दिया। अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्स क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5, ग्रुप बना लीजिए। यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, x प्लस 1, माइनस माइनस की साइन बाहर निकल गई, 4x है और 4x स्क्वायर है तो 4x बाहर निकल जाएगा, x माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 5 है और माइनस है तो माइनस बाहर निकल गया, 5 कॉमन, x माइनस एक्स प्लस 1, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बॉक्स वाली मेथड कीजिए ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्या करना है कि यहाँ से आपको ये स्टेप लिखना है और इसमें जो नंबर कम पड़ता है इसके हिसाब से वो यहाँ लिखना है, और ये जो नंबर होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है, और ये वाला नंबर है उसके हिसाब से आपको ये वाला नंबर लिखना है। तो पीछे से आप चेंज स्टार्ट कीजिए, आपको पूरे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए आप, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 20 था, 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे लाने हैं 32। जब 20 है तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, x है इसलिए x आएगा, मगर लाने थे मुझे 32 और 20 मेरे पास आ गए तो बचे कितने, 12, x था इसलिए x, साइन प्लस की होगी, 12x प्लस 20 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 32। ये 20 कहाँ से आए, इधर से आए, राइट। अब 12 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 है तो मुझे यहाँ पे भी 12 लाने होंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर, और 12 में मैं क्या ऐड करूँ तो 13 हो जाए, 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब सबके आगे क्या लगाना है, प्लस लगाना है क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी माइनस नहीं है, देख लीजिए आप, प्लस प्लस प्लस, तो सिंपली क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20, ग्रुप बना लीजिए। एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, x प्लस 1, 12x बाहर निकल गया, x प्लस 1, और 20 बाहर निकल गया, x प्लस 1। देखो सब में सेम आ रहा है,
तो मैं x प्लस वन लिख लेता हूँ, सब में सेम है इसलिए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 12x और यहाँ पे 20। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 1 दिया हुआ है तो 1 आएगा, और 1 में मैं क्या ऐड करूँ तो 2 हो जाए, तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, मगर साइन माइनस की है आगे, इसलिए मुझे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। y है इसलिए y आ जाएगा, फिर यहां पे 1 है तो मुझे यहां पे भी 1 लिखना पड़ेगा, और 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि यहां पे 1 हो जाए, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 2y में से लिख लेता हूं, 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, देखो 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये 1 की वजह से यहां पे 1 लिखना पड़ा और मुझे आंसर 1 लाना था, इसलिए मुझे यहां पे 2 लिखूंगा और मैं इसको क्या कर लूंगा, माइनस करूंगा, 2y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आगे साइन प्लस की थी इसलिए प्लस आएगा, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर माइनस 1y माइनस 1y माइनस 1, देखो माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, y स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा। ग्रुप बना लीजिए, 2y स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो y प्लस 1 बचा, माइनस माइनस बाहर निकल गया, y स्क्वायर और y है तो y कॉमन निकल गया, y प्लस 1, माइनस माइनस बाहर निकल गया, सिर्फ 1 बचेगा, y प्लस 1, सब में सेम आ गया, ये मतलब आप सही जा रहे हो, y प्लस 1, यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर एक्सरसाइज को ख़त्म किया, ये आपका वीडियो नंबर का पार्ट 5 था, वीडियो पार्ट 5 था। अभी हम सोच रहे हैं कि पार्ट 6, 7, 8 और 9 के अंदर आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज कवर करवाएं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ओके। तो अभी जो पीछे आ रही है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, तो वीडियो पार्ट 6 के अंदर आपको 2.5 हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको पूरा मैथमेटिक्स कवर करवाएंगे, ये हमारी आपकी प्रॉमिस है। चलिए इस वीडियो के बाद हम पार्ट 6 में चलते हैं, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड के ग्रुप्स के अंदर, ओके, थैंक यू।